press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मोटू लाला में आप लोगों का स्वागत है मित्रों। मेरे सिंह राशि वाले मित्र अपना फरवरी 2018 का मासिक राशिफल जानने के लिए व्याकुल होंगे, तो चलिए मित्रों मैं आपको बताता हूँ आपका मासिक राशिफल। साथ ही मित्रों मैं आपको एक विशेष भाग्योदय कारक उपाय बताऊंगा जिसे करने से निश्चित ही आपका भाग्य चमक जाएगा और आपको कभी असफलता हाथ नहीं लगेगी। तो देखते रहिए मोटू लाला और चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों सबसे पहले हम आपको बताते हैं आपकी ग्रह स्थिति। मासारंभ में बृहस्पति तुला राशि के तृतीय भाव में, मंगल वृश्चिक राशि के चतुर्थ भाव में, शनि धनु राशि के पंचम भाव में, बुध शुक्र केतु एवं सूर्य मकर राशि के षष्ठम भाव में, चंद्रमा और राहु कर्क राशि के बारहवें भाव में चलायमान है। तो सबसे पहले बात करते हैं 1 से 7 फरवरी तक के समय की। 1 को आधा दिन सिरदर्द की समस्या रह सकती है, वहीं 1 की दोपहर बाद से 3 के मध्य समय में सुधार आएगा व दर्द में राहत की प्राप्ति होगी। जिंदगी की रफ्तार सीधी व सरल गति में चलेगी। परीक्षार्थी का ध्यान पूरा अपनी पढ़ाई पर रहेगा। आप व्यवसायिक यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा आर्थिक महत्व की होगी। धन लाभ होगा। 4 एवं 5 को सामान्य दिवस रहेगा। साझेदारी और संबंधों पर जोर रहेगा। प्रेम व रोमांस के मामले में स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। आप कला व रचनात्मक क्रियाकलापों में व्यस्त रह सकते हैं। सगाई या विवाह संबंधी कार्य घर में या रिश्तेदारी में संभव है। 6 एवं 7 को बहुत ही शानदार तरीके से समय व्यतीत होगा। आपको आध्यात्मिक जगत भी आकर्षित करेगा। आप गरीबों और जरूरतमंदों की मदद कर सकते हैं व खुशियां हासिल कर सकते हैं। मित्रों अब बात करते हैं 8 से 15 फरवरी तक के समय की। 8 से 10 के मध्य आपको काम में देरी या गड़बड़ी, यात्रा के दौरान लोगों द्वारा परेशानी खड़ी करने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप कानूनी पचड़े या मुकदमेबाजी में फंस सकते हैं। निकट लोगों के साथ रिश्तों में खटास आ सकती है या संबंध टूट सकते हैं। 11 एवं 12 को समय में सुधार आएगा। आपके प्रयास सकारात्मक होंगे व अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जीवन के हर मोर्चे पर अपने को आगे खड़ा पाएंगे। 13, 14 एवं 15 को उत्तम संपत्तिदायक दिवस रहेगा। धन संबंधी मामलों पर जोर रहेगा। आप अपने काम पर पूरा ध्यान देंगे। आप अपने स्वभाव में विनम्रता का भाव रखेंगे। परिवार के साथ मधुर संबंध बनेंगे। जिस कार्य में हाथ डालेंगे सफलता की प्राप्ति होगी। भक्ति भाव ईश्वर आराधना में समय व्यतीत होगा। मित्रों अब बात करते हैं 16 से 23 फरवरी तक के समय की। दिनांक 16 एवं 17 को सप्तमस्त चंद्रमा शांति प्रदायक रहेगा। आप नवीनीकरण, साज सज्जा, घर की सजावट आदि में व्यस्त रह सकते हैं। आप प्रतिशोध के साथ काम पर लौटेंगे। यह समय गठबंधन भागीदारी में अपनी धाक जमाएंगे। 18 से 20 के मध्य समय ठीक नहीं है। यह समय परेशानी वाला रहेगा। आपका ज्यादा वक्त व्यर्थ की बातचीत में ही निकल जाएगा। कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। धन संबंधी मामलों में धोखा खाएंगे। सावधानी अपेक्षित है। आप व्यस्त रहेंगे और अति व्यस्तता के कारण मौज मस्ती के लिए समय नहीं बचेगा। निवेश में सावधानी बरतें। 21 एवं 22 को अटके काम पूरे करेंगे। पेंशनर्स को आ रही समस्याओं से निजात मिलेगी। कठिन परिश्रम से मामले सुलझ जाएंगे। 23 को मान सम्मान में वृद्धि होगी। तो मित्रों अब बात करते हैं 24 से 29 फरवरी तक के समय की। 24 को समय पूर्णतया अनुकूल रहेगा। आपको धन संबंधी मामलों में शानदार सफलता मिलेगी। आपकी व्यापार के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी दिलचस्पी रहेगी। कुछ अच्छे कार्यों का नतीजा धन प्राप्ति या इनाम के रूप में 25 एवं 26 को मिलेगा। यह समय चारों तरफ से सफलता प्राप्ति का है। आपकी लोकप्रियता की साख चरम पर होगी। आप पहले से कहीं अधिक अधिकार संपन्न होंगे। 27 एवं 28 को समय पुनः खराब ही रहेगा। किसी अपरिचित पर विश्वास करना गलत निर्णय होगा। आपको भावनाओं के तूफान में बहने या लापरवाही से बचना चाहिए। तो मित्रों ये था आपका मासिक राशिफल फरवरी 2018 के लिए। अब जैसा मैंने आपको वादा किया था मैं आपको एक भाग्योदय का अचूक टोटका बता रहा हूँ। तो मित्रों इस उपाय में हम आपको इसकी विधि बता रहे हैं। इसमें आपको 7 चीजें लगेंगी। वो चीजें हैं, पहला 7 साबुत हल्दी गाठ, दूसरा 7 यज्ञोपवित जनेऊ, 7 पूजा वाली छोटी सुपारी, 7 गेंदे के पीले
पीले फूल, पांचवा 7 छोटी छोटी गुड़ की डली, 6 7 15 के यंत्र, 7वां 7 छोटे बच्चे 12 वर्ष से छोटी उम्र के। तो इसको करने की विधि कुछ इस प्रकार है, गुरुवार को जो हमने आपको वस्तुएं बताई हैं उनको एकत्र करें और पीताम्बर यानी कि पीले कपड़े में बांधे। तत्पश्चात बालकों को प्रसाद स्वरूप थोड़ी थोड़ी सी पीली बर्फी और दक्षिणा के साथ विदा करें। फिर वही पोटली पूजा के स्थान पर या लॉकर में रख दें। इस टोटके के प्रभाव से सभी रुके हुए कार्य अपने आप सफल और संपन्न होने लगेंगे। कुछ दिनों के पश्चात उन सभी वस्तुओं को पीस लें और सोने चांदी या तांबे की तावीज में भरकर अपने पास रख लें। तो मित्रों अगर आप ये टोटका करते हैं तो आपको जीवन भर सफलता मिलेगी और आपके सभी असफल कार्य संपन्न हो जाएंगे और आप जीवन में सफल हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ मैंने आपको उचित जानकारी दी होगी। देखते रहिए मोटू लाला, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और अपने मित्रों का ज्ञान बढ़ाइए और देखते रहिए मोटू लाला। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्ते। सिंह राशि फल फरवरी 2018 100% एक्यूरेट होरोस्कोप फेब्रुअरी एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन फॉर लियो और सिंह राशि और जोडियक साइन।